हेलो गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टक चैनल। आपकी नजर में कचोरी वाला कितना कमा लेता होगा? बहुत ही कम ना, पर एक खबर हमारे सामने आई है जो कि कचोरी वाले के ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, और रेड पड़ने के बाद उसने कुछ ऐसा कदम उठाया उसे इनकम टैक्स के ऑफिसर से बचने के लिए, वो टैक्स से बचने के लिए, कि आप भी जान के हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ लेके आ पाए। वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते प्लीज़ एक कमेंट करते हुए ज़रूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी ज़रूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। ये खबर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर एक मुकेश कचोरी वाला, अगर आप अलीगढ़ में रहते हो तो आपने भी मुकेश कचोरी वाले के पास से कचोरी खाई होगी, और आपको पता होगा कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है उनकी कचोरी की वजह से। उनकी कचोरी ही वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, और वो फेमस होने के कारण काफी ज्यादा पैसा भी कमाते हैं, और पैसा कमाने के साथ साथ उसके साथ लोग भी देखते हैं कि ये पैसा बहुत ज्यादा कमाता है। ऐसे ही एक शख्स ने उनकी कंप्लेंट करने के बाद इनकम टैक्स के पास पहुंचा कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और तो चलिए रेड मारी जाए। तो इनके वहां पर रेड पड़ गई, और रेड पड़ने के बाद क्या हुआ कि वहां पर चेकिंग हुई। चेकिंग करने के बाद इन्होंने सब पेपर्स वगैरह सब निकाले, और निकालने के बाद वहां पर पता चला जो मुकेश कचोरी वाला है वो, उसका तो जो शॉप है वो रजिस्टर ही नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है, और उसके लिए आपको बिजनेस करने के लिए आपको वो रजिस्टर करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स का पैसा भरना पड़ता है। पर ये मुकेश जो कचोरी वाले दुकान को, मुकेश कचोरी वाले नेम को रजिस्टर ही नहीं करवाया था, तो ये चीजें वो टैक्स के दौरान, वो रेड के दौरान पता चली, और पता चलने के बाद उसको एक नोटिस दिया गया, और नोटिस के दौरान उसको बोला गया कि तुम्हारा जीएसटी वगैरह जो भी है वो सब चीजें तुम वहां पर भरो, और अपने जो मुकेश कचोरी का नाम है, जो आपके यहां शॉप का नाम है, उसको रजिस्टर करवाओ। तो उन्होंने नोटिस दिया, तो उसके बाद उसने क्या करना था, बस वो चला गया अपनी जीएसटी का टैक्स भरने, और साथ में उसने क्या किया कि नाम तो रजिस्टर करवाया मुकेश कचोरी वाले से नहीं, कृष्ण कचोरी वाले से। उसने ऐसा कदम उठाया, और ये कदम उठाते हुए उसने ये चीज सोची कि जो भी इसको टैक्स भरना है, और जो मुकेश कचोरी वाले के नाम पे था तो वो रजिस्टर पहले से नहीं था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नाम ही चेंज कर देता हूँ। तो उसने जाके नाम चेंज कर दिया मुकेश कचोरी वाले से कृष्ण कचोरी वाला, और कृष्ण कचोरी वाले से जाके उसने ये सब चीजें सबमिट कर दी, पेपर्स वगैरह सबमिट कर दिए, और वहां पर जाके ये रजिस्टर करवा ली अपनी शॉप, और शॉप रजिस्टर करवाने के बाद वो वापस आ गया। और वापस आने के बाद जब ये चीजें सब अधिकारियों को पता चली, और उनको इस चीज के बारे में पता चल के उन्होंने ये चीज बोली कि अगर कोई भी ऐसा कदम उठाता है टैक्स से बचने के लिए, कोई भी चीज ऐसी करने के लिए जो उसने पुराना भरा नहीं है उस चीज से बच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने नाम चेंज कर दिया तो हम आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश कचोरी वाला जो पहला नाम था, वो नाम से ही जो सब चीजें चल रही थी, जो सर्च चल रही थी कि उसको कितना पैसा भरना है, उसी के अकॉर्डिंगली कृष्ण कचोरी वाले के ऊपर भी ट्रांसफर किया जाएगा कि ये उसी का है दोनों, और उसको पूरा टैक्स उसी पे भरना पड़ेगा, और उस कचोरी वाले को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब उसको नोटिस मिला था और नोटिस मिलने के बाद ही वो रजिस्टर अपने शॉप को दूसरे नाम से उसने क्यों करवाया, ये कदम क्यों उठाया। सो गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा छोटा सा आदमी कितना ज्यादा कमाता हो, पर ऐसा नहीं है कि हाँ उसको टैक्स ये करना है वो करना है, तो ऐसी सब चीजें नहीं है, पर उसमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स नहीं भरते। अगर आप भी टैक्स नहीं भरते हो तो चेक कीजिए और उस टैक्स को भर दीजिए, बिकॉज कभी ना कभी अगर ऐसी सब चीजें सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत झटका लग सकता है आपको, क्योंकि छोटा छोटा अगर भरते हो तो अच्छा रहता है, अगर ज्यादा आ जाएगा सर पे तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो आज के बारे में, ये कचोरी वाले के बारे में जो करोड़पति है, जान के कैसा लगा है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके भी आजू बाजू में या आपने भी उस कचोरी वाले के पास जाके कचोरी खाई है तो हमें प्लीज बताइए कमेंट करके। और अगर आज की न्यूज हमारी अच्छी लगी है, जानकारी हमारी अच्छी लगी, तो जाते जाते प्लीज एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहे और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।